हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी शेवरले बीट और आज इस गाड़ी का सस्पेंशन खोल रखा है मैंने। अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एक प्रॉब्लम चला के दिखाई थी, गाड़ी चलाने में कैसे फील आता है, चलाने में अगर कुछ नॉइस आ रही है तो वो किस चीज़ की हो सकती है, और कुछ स्टेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम थी तो वो किन चीज़ों की प्रॉब्लम थी, वो सारा तरीका मैंने आपको डायग्नोस करने का दिखाया था कि कैसे बिना खोले हुए गाड़ी को डायग्नोस कर सकते हैं। और मैंने कुछ एक अंदाजे से आपको बता दिया था सिर्फ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैंने गाड़ी को खोल रखा है तो अब सब कुछ सामने है तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ये प्रॉब्लम किस वजह से थी। तो प्रॉब्लम वाइज बात करता हूँ। पहले मैंने आपको प्रॉब्लम जो बताई थी, स्टेयरिंग जब मैं टर्न करूंगा तो देखना आप, देखा, एक तो ये स्टेयरिंग वापस नहीं आ रहा है, पहली नंबर की प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं सीधा करता हूं। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, आपने देखा होगा कि स्टेयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा था, तो रिटर्न किस वजह से नहीं आ रहा था वो दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने सस्पेंशन खोला हुआ है, ये शॉक एब्जॉर्बर है जो कि मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, ये गाड़ी की लोअर आर्म है, लोअर आर्म कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट होती है। ठीक हो गया, तो पहली प्रॉब्लम जो स्टेयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा था। स्टेयरिंग जब घुमाते हैं तो ये चीज़ मूव करती है ऐसे ऐसे, ये नीचे वाले, ठीक है, यहाँ से हब मूव करता है और ये ऊपर का हिस्सा कसा होता है हमारी बॉडी में, और बॉडी में कसा होने के साथ ये जो आपको माउंटिंग दिख रहा है इसके अंदर होता है एक बेयरिंग जो कि इसको घूमने देता है, लेकिन ये बहुत जाम है। देखो, मैं हाथ से घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँगा तब भी जल्दी घूमता नहीं है, मतलब बहुत हार्ड घूम रहा है। तो जो स्टेयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा था वो ये प्रॉब्लम है, ये इसका शॉकर माउंटिंग। सेकंड, मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाई थी, एक आवाज़ आ रही थी, नॉइस कैप्चर हो रही थी गाड़ी में, और नॉइस किस साइड से थी, ड्राइवर साइड से। अब ये आया, ये देखो, ये खटकी आवाज़ जो आई ना, बस ये खटकी आवाज़ आती है बिल्कुल इस कॉर्नर से। अब वो आवाज़ किस चीज़ की है वो भी बता देता हूँ। अब ये जो इस तरफ से आवाज़ आ रही है वो आ रही है हमारे शॉकर माउंटिंग की। मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये नॉइस हो सकती है शॉक एब्जॉर्बर के खराब होने की वजह से आ रही हो, और फिर उसके बाद फिर शॉकर माउंटिंग। तो ये देखिए, शॉक एब्जॉर्बर इसका खराब हो चुका है, लीकेज दिख रहा है यहाँ पे, ये डस्ट चिपकी हुई है, ऑयल निकला है, ऑयल निकला हुआ है, इसका मतलब कि ये शॉक एब्जॉर्बर हमको चेंज करना होगा। और टोटल खर्च भी बताऊंगा आपको कि किस पार्ट की क्या कॉस्टिंग लगने वाली है, टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो अभी देखिए, शॉकर एक खराब है इसका, और एक ये शॉकर माउंटिंग, ये दो चीज चेंज होंगी इसमें। शॉकर आपको मिलेगा लगभग 1500 से 1700 रुपए के आसपास, ये स्टड मिलेगा बीच का, और 500 रुपए के आसपास का मोटा मोटा अंदाजा ये होना चाहिए हमारा शॉकर माउंटिंग। तो 1700 और 500, लगभग 2000-2300 रुपए के आसपास का ये इसका खर्चा है। सेकेंड प्रॉब्लम एक मैंने आपको दिखाई थी, गाड़ी के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था, ऐसा लगता था गाड़ी को ब्रेक लगाया तो व्हील आगे जा रहा है और बॉडी बाद में जा रही है। स्टीयरिंग को जब मैं कंट्रोल करता हूँ इस तरह से तो मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, मतलब हल्का सा इसमें प्ले है, इतने प्ले पे गाड़ी मुड़ती नहीं है, इतना करो तब मुड़ती है, यानी इतने पे कुछ नहीं होता ये, और इसके बाद मतलब धीरे धीरे बिल्कुल भी स्टीयरिंग के अंदर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। स्टीयरिंग इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, यानी कि गाड़ी कभी अचानक उधर मुड़ती है, स्टेयरिंग से इधर कंट्रोल करना पड़ता है, कभी उधर मुड़ती है तो इधर कंट्रोल करना पड़ता है, फ्री प्ले फील हो रही है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम जो है स्टेयरिंग की है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम स्टेयरिंग की नहीं है। तो आगे और पीछे होने का प्रॉब्लम क्या मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था हो सकता है इसके आर्म के बुश एक्सट्रीमली कट गए हों, उस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अब देखिए, ये है इसकी लोअर आर्म, ये है जी इसका मेन बुश, और इसकी कंडीशन देखो आप, ये बीच में होता है रबर पार्ट, ये रबर पार्ट देखो कितना कट गया है, बिल्कुल मतलब एंड पे एक्सट्रीमली कट चुका है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि ये पॉसिबिलिटी है, यही हो सकता है। और इसके बाद क्या होता था, इस तरह से लगती है ये, ऐसे बॉडी में ये आगे और पीछे ऐसे मूव करता था, आगे और पीछे इस तरह से ये मूव, स्टेयरिंग मतलब स्टेयरिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, वो यही रीज़न था, गाड़ी आगे पीछे जा रही थी वो यही वाला रीज़न था। और ये सेकेंड बुश, ये भी लगा होता है टाइट, ये भी पूरी तरह ख़राब तो नहीं है, लेकिन जब ये आर्म आगे और पीछे आ रही थी तो ये देखो यहाँ पे गैप बना हुआ है, ये आगे और ये पीछे हो रहा था, तो उसकी प्रॉब्लम का सलूशन वो ये है। और एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब गाड़ी को जब टर्न कर रहे थे तो टर्न करते समय ऐसा लग रहा था कि फ्री प्ले फील हो रही है, मतलब गाड़ी का कभी स्टीयरिंग ज़्यादा टर्न करना पड़ रहा था या कभी गड्ढे में पहिया टकराया तो ऐसा लगता था कि अपने आप टर्न हो गई। गाड़ी थोड़ी सी मुड़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि गड्ढे में आके अपने आप ज़्यादा मुड़ जाती है, कई बार हमें ज़्यादा मोड़नी होती तो इतने में कोई स्टेयरिंग रिस्पॉन्स नहीं करता और ज़्यादा ऐसे टर्न करना पड़ता है। वो क्यों हो रही थी, उसका भी रीज़न यही था, क्योंकि ये इस तरह से हिल रहा था,
ये कभी इस तरह से आम बाहर आती थी, कभी अंदर जाती थी। अभी हाथ से इतना होगा नहीं, लेकिन ये देखो, ये बाहर गई, ये अंदर गई, ये बाहर, ये अंदर। तो ये इस तरह से मूव कर रही थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम थी। दूसरी एक चीज़ और मुझे नॉइज़ फील हो रही थी, वो कैसी थी? गाड़ी चलते समय हल्का सा कुछ खड़खड़ाहट सी फील हो रही थी मैंने। और एक जो प्रॉब्लम आ रही है मुझे रफ रोड पे चलते समय, नीचे से खड़खड़ाहट की आवाज़। तो जो नीचे से खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है, वो हो सकता है कि स्टीयरिंग रैक की आवाज़ हो। मैंने आपको वीडियो में बताया, हो सकता है ये स्टीयरिंग रैक से रिलेटेड हो। तो ये देखिए, ये लगी हुई है स्टीयरिंग रैक, और ये है इसका इनर टाई रॉड एंड। इसके यहाँ पे एक बॉल जॉइंट टाइप का होगा, वो एंड है, ठीक है। और ये इसका आउटर एंड है। तो आउटर का जो एंड है, ये देखो, इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाले की कंडीशन, ये बिल्कुल फ्री हो गया है। तो वो कड़कड़ाहट की नॉइस यहाँ से हो सकती है। जबकि दूसरी साइड का दिखाता हूँ मैं आपको क्या कंडीशन है। दूसरी साइड आ गया मैं, अब इस साइड का देखो आप, ये सेम वही स्टीयरिंग एंड है, ये इतना हार्ड है, यानी इसमें प्ले नहीं है, उस तरफ का जो है लूज है, उसकी वजह से नॉइज आती है। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि जो लिंक रॉड है, ये लिंक रॉड की वजह से भी आवाज आती है। ये स्टेबलाइजर बार है, स्टेबलाइजर बार, ये स्टेबलाइजर लिंक रॉड, इस लिंक रॉड में लगे होते हैं इस तरह के ये बॉल जॉइंट। ये जब ये खराब हो जाएंगे तब भी ऐसा होगा, लेकिन इस केस में अभी ये खराब नहीं है। मतलब अभी 60% इसकी लाइफ बची है, तो इसको मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे वाला भी ठीक है, दो बॉल जॉइंट है, एक ये नीचे लगा है, एक ऊपर लगा हुआ है। और इस तरफ का भी देखो, मैंने शॉक अब्जर्वर खोला हुआ है, यहाँ का दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसमें कोई लीकेज नहीं है कहीं से कहीं तक, ये बिल्कुल ड्राई है। अब कॉस्ट कितनी लगेगी, खर्चा कितना आएगा वो बताता हूँ। पार्ट्स का क्या किया मैंने वो बता देता हूँ। उससे पहले इधर की एक लोअर आर्म दिखा दूँ मैं आपको। लोअर आर्म जैसे उस साइड लगी थी, वैसे इस साइड भी लगी है। इधर का देखेंगे बुश, तो इधर का भी कटा हुआ है, ठीक है। अब ये जो बुश मिलते हैं, ये बुश डालने के लिए पूरी किट मिलती है आपको। ये वाला दो बुश और उस साइड का दो बुश, कुल मिला के चार बुश की पूरी किट मिलती है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी आम बुश की जो किट आती है, किट रिप्लेस करूंगा। किट मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी, ये है इसकी बुश किट। और कितने में मंगाई है वो भी बता देता हूँ। तो ये वाला बुश हो गया देखो यहाँ का, ये वाला बुश हो गया यहाँ का, और सेम उसी तरह से एक बुश उस तरफ की आम में लगने के लिए, एक बुश उस तरफ की आम में लगने के लिए। साथ में ये दो बैलेंस रॉड के बुश हैं, तो ये भी एक्स्ट्रा है इसमें। इसको भी जरूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर देंगे, लेकिन बैलेंस रॉड के बुश अभी ठीक हैं, चेंज करने की इनको जरूरत नहीं है। तो इनको मैं रख लूंगा संभाल के, ठीक है। ये पड़े मुझे 816 रुपए के। तो फिलहाल ये जितनी भी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से थी, मैंने जो जो चीजें आपको बताई थी सेम एज इट इज वही निकली। तो इन सारी चीजों को अभी मैं रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे इसको फिट कर दूंगा। टोटल कॉस्टिंग कितनी आई वो देख लिया आपने, 850 रुपए के आसपास, लगभग 850 मान लेते हैं, 850 रुपए के आसपास मैंने ये बुश किट मंगाई है। और 2000 रुपए के आसपास मान लेता हूँ मैं शॉकर का खर्चा हो जाएगा। तो लगभग 2 से 2500 रुपए में, या मोटा मोटा मैं लगा लूँ तो 3000 रुपए में ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। कितनी प्रॉब्लम थी, खर्चा आया 3000 रुपए। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद यही था कि सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप लोग भी समझ पाएँ कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ, ये जेन्युइन चीज़ें ही बदल के काम किया जा सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मन में अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thanks for watching.